तो आज बात करेंगे इसी पर कि विटामिन डी की ये कमी आखिर इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, हर दूसरे शख्स में विटामिन डी है या 4 में से 3 शख्स में विटामिन डी कम क्यों निकल रहा है, निकल रहा है तो अब इसके क्या नुकसान है और इस कमी को कैसे पूरा क्या किया जा सकता है, क्या कोई प्राकृतिक तरीके हैं धूप लेना और कुछ खाना खान पान में बदलाव, या फिर इसके लिए फाइनली डॉक्टर के पास जाके वो जो विटामिन डी का कोर्स होता है उसमें सेशंस होते हैं, दवाइयां होती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, वही लेना ज़रूरी है, ये सवाल आज एक बार फिर दोहराएंगे क्योंकि विटामिन डी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं स्टार इमेजिनिंग और पैथ लैब्स के डायरेक्टर समीर भाटी साहब। समीर भाटी साहब, ये बताइए कि इस कमी को लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस कितनी है? देखिए आजकल ये तो हो गया कि लोग टेस्ट करा लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट आ गए हैं, या सब अवेयर भी हैं कि हाँ साल में 1 या 2 बार रिपोर्ट करा लेनी चाहिए, उसमें विटामिन डी भी आ गया, लेकिन क्या लोगों में अवेयरनेस भी है कि अरे भाई मेरा विटामिन डी कम निकला है? देखिए विटामिन डी को लेकर उस तरह से अवेयरनेस तो है, पर वो उस तरह उसको उतना सीरियसली ज्यादातर नहीं लिया जाता कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है, करा लिया तो आ गया, नहीं कराया तो उतनी आमतौर पर इसके ऊपर उस तरह से डिस्कशन होता नहीं, ना ही इसकी कोई उस तरह की हम स्क्रीनिंग्स करते हैं कि आमतौर पे कुछ हमारी गवर्नमेंट प्लानिंग है जिसमें इसको लेके कोई ऐसी स्क्रीनिंग जो होती है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि मास लेवल पे हम स्क्रीनिंग करें। अभी फिलहाल मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंगली ये बता सकता हूँ कि जिस तरह से हम टेस्ट करते हैं इवन पैंडेमिक के बाद भी, हमारी जिस तरह से अगर हम विटामिन डी के लेवल को अगर आप कैटेगराइज करो तो मतलब एक डेफिशिएंट हो गया बहुत ही लो, इनसफिशिएंट हो गया थोड़ा कम, पर अब वो थोड़ा कम नहीं, डेफिशिएंसी वाले जो बहुत लो वाले मतलब 5, 3, 8 इस तरह के विटामिन डी लेवल्स आते हैं काफी ज्यादा, और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया वो एक हर एज ग्रुप के अंदर इस तरह के हमें जो है डेफिशिएंट विटामिन डी लेवल्स मिल रहे हैं। और कुछ लोगों की एक अवधारणा रहती है वो विटामिन डी और कैल्शियम को लेके कंफ्यूज, क्योंकि आमतौर पर लोगों का एक ये माइंडसेट रहता है जिस तरह से जब हम भी अवेयरनेस करते हैं, कैंप्स करते हैं कि मेरी बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी वो समझते हैं उस तरह से, तो कैल्शियम टेस्ट कोई करा लेते हैं और उनको लगता है कि मेरा तो कैल्शियम टेस्ट ठीक है तो मतलब मेरी बोन हेल्थ तो ठीक है कैल्शियम, तो ये सब कुछ अवधारणाएं हैं। देखिए कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम टेस्ट एक अलग चीज है, बोन्स के अंदर कैल्शियम हम ब्लड कैल्शियम से नहीं मेजर कर सकते, तो कुछ कुछ इस चीजों को लेके लोगों के अंदर अभी भी अवधारणा है, बट इस टेस्ट को लेके या विटामिन डी की डेफिशिएंसी को लेके उतने ज्यादा लोग अवेयर भी नहीं है और उतने ज्यादा उसको लेके उसको वो बहुत बड़ा कोई चिंता का विषय नहीं मानते। चर्चा का वो हिस्सा जहां हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, उससे पहले समीर साहब आप अगर टेस्ट का ही है क्या रिकमेंडेशन रहता है डॉक्टर्स की तरफ से कि साल में एक बार आप अपना जरूर विटामिन डी का लेवल चेक कर लें? नहीं, विटामिन डी टेस्ट इस तरह का हो गया कि आमतौर पे कोई भी किसी भी तरह की इलनेस के अंदर, इवन जब हमने कोविड के अंदर भी देखा तो उसमें आमतौर पे विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन भी दिए जा रहे थे और विटामिन डी टेस्ट उस समय भी एडवाइस किया जा रहा था, और फिलहाल अगर हम देखें भी हमारा जो एक रूरल एरियाज के अंदर भी हम टेस्ट करते हैं और स्पेसिफिकली अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरियाज में ज्यादातर हम देखते हैं कि विटामिन डी इनसफिशिएंसी डेफिशिएंसी ज्यादा है। रूरल एरियाज के अंदर अगर हम फिलहाल देखें तो जो एडल्ट मैन है उनके अंदर ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकली हम फीमेल्स में देखें तो उनमें डेफिशिएंसी हमें ज्यादा मिलती है, पर ये आमतौर पर सभी तरह की इलनेस के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए टेस्ट लिखे जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, लेकिन आई होप कि विटामिन डी की कमी के क्या रीजंस हैं और क्या कर सकते हैं हम उसको ठीक करने के लिए और कितना इंपॉर्टेंस है उसका आपकी हमारी लाइफ में, बात आज एक बार फिर से क्लियर जरूर हुई होगी। नमस्कार।